Hello everyone. Hi, I hope you guys are doing well and I welcome you to the session of current affair of 6th of May, ठीक है, 2024. आज session जो है वो इस तरह हो पा रहा है but session normal ज़रूर होगा. As I have already told you, कुछ दिन की बात है. जैसे ही चीज़ें resolve हो जाएंगी, we will be back to what we are doing, right? तो चलो सेशन की शुरुआत करते हैं और कुछ डेज देखते हैं. देखो, 4 तारीख को कोल माइनर्स डे जो है वो ऑब्जर्व करते हैं हम. कोल माइनर्स जो होते हैं, बेसिकली जो माइन मतलब कोल फील्ड में, ठीक है, या आप कह सकते हैं धरती के इतने नीचे माइनिंग जो होती है, ठीक है, कोल की. एंड ट्रूली स्पीकिंग लोगों को ये तक नहीं पता होता कि दे विल बी एबल टू कम बैक होम और नॉट, ठीक है, घर वापस भी आ पाएंगे या नहीं, ये भी लाइक दे डोंट नो, ठीक है. तो वी शुड रिस्पेक्ट एवरी माइनर, ठीक है, डेली बेसिस पे वो अपनी रोजी रोटी के लिए काम करते हैं एंड वी शुड रिस्पेक्ट दैट, ठीक है. आगे चलते हैं. 4 मई को इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे, ठीक है. देन 5 मई को वर्ल्ड पोर्टुगीज लैंग्वेज डे. यूएन लैंग्वेज अभी हम सेलिब्रेट कर रहे थे, कुछ गई थी, और 5 तारीख को वर्ल्ड पोर्टुगीज लैंग्वेज डे है, हाँ, ठीक है. फिर 5 मई को वर्ल्ड लाफ्टर डे. लाफ्टर डे जनरली क्या होता है ना, पहले संडे को मनाया जाता है. मई के महीने का जो पहला संडे अभी जो था 5 तारीख को, कल था, उस दिन मनाया गया था, ठीक है. हर बार पहले संडे को ही मनाया जाता है मई महीने के, ठीक है. 1998 में पहली बार ये सेलिब्रेट हुआ था मुंबई इंडिया में, एंड डॉक्टर मदन कटारिया जी द्वारा ये बेसिकली जो लाफ्टर योगा मूवमेंट के फाउंडर है उनके द्वारा ये सेलिब्रेट किया गया था. आज जो कि 6 तारीख है, हम इंटरनेशनल नो डाइट डे बनाते हैं, ठीक है, इंटरनेशनल नो डाइट डे. आगे चलते हैं. इंडियन आर्मी एंड पुनित बालन ग्रुप ने हाल ही में दे हैव जॉइंट हैंड्स एंड दे हैव जॉइंटली डेवलप्ड इंडियाज फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन पार्क बोल लो या संविधान उद्यान बोल लो, ठीक है. कॉन्स्टिट्यूशनल पार्क और संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया संविधान और पार्क हो गया उद्यान, ठीक है. तो किस सिटी में अभी डेवलप किया है, तो ये पुणे में डेवलप किया है, ठीक है. इंडियन आर्मी का हेडक्वार्टर कहाँ है, इंडियन आर्मी का हेडक्वार्टर जो है वो दिल्ली में ही है, न्यू दिल्ली में ही है. मनोज पांडे जो हैं वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, ठीक है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल हैं, राइट. इंडियन आर्मी एंड पुनित बालन ग्रुप ने बेसिकली पहला कॉन्स्टिट्यूशन पार्क पुणे महाराष्ट्र में अभी डेवलप किया है, एंड पार्क हैज़ बीन इनॉग्रेटेड बाय जीओसी इन साउदर्न कमांड लेफ्टिनेंट जनरल अजय कुमार सिंह जी द्वारा दिस हैज़ बीन इनॉग्रेटेड. एंड संविधान उद्योग की बात करें और उद्यान की बात करें, तो साउदर्न कमांड वॉर मेमोरियल में इट इज़ देयर लोकेटेड. एंड न्यू फीचर एंड न्यू अम्यूनिटीज हैं जिसमें अपग्रेडेड लैंडस्केप है, ग्रीनरी है दैट क्रिएट अ इम्पैक्ट, पार्लियामेंट्री स्ट्रक्चर है जो संविधान को रिप्रेजेंट करता है सेंटर ऑफ द पार्क, लाइक इन द मिडल ऑफ द पार्क. इट हैज़ द डेवलपमेंट ऑफ सराउंडिंग एरिया जिसमें आर्टवर्क फ्रॉम 22 चैप्टर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज देयर, ठीक है. एंड क्लॉक टावर है, कॉन्स्टिट्यूशन का पाथवे है अलॉन्ग विद क्लॉक टावर एंड मेनी मोर थिंग्स, राइट. आगे चलें, नेक्स्ट देखें. इंडिया सर्विस एक्सपोर्ट विल इंक्रीज 800 बिलियन यूएस डॉलर तक बढ़ जाएगा 2030 तक. 340 बिलियन यूएस डॉलर जो अभी है 2023 में, कितना हो जाएगा, 340 से 800 बिलियन हो जाएगा एक्सपोर्ट, सर्विस एक्सपोर्ट. मेकिंग एन एडिशनल सेक्टर रिसेलिंग टू सप्लाई साइड शॉक एंड रिड्यूसिंग रुपी वॉलिटैलिटी. This is according to the Goldman Sachs report. ठीक है, ये Goldman पहले एक रिपोर्ट आई थी Invest India की, ठीक है, वो e-commerce पे थी. अभी जो रिपोर्ट आई है ये है सर्विस एक्सपोर्ट पे, एंड इट सेज कि जो सर्विस एक्सपोर्ट है 800 बिलियन यूएस डॉलर तक पहुंच जाएगा 2030 तक, ठीक है. नाउ द रिपोर्ट सजेस्ट दैट जो सर्विस एक्सपोर्ट है वो 11% इंक्रीज करेगा of the GDP by 2030, and this amounts to around 800
बिलियन यूएस डॉलर। रिपोर्ट ने कहा कि जो प्रोजेक्शन है करंट अकाउंट की 2024 में, इट विल रिमेन अनचेंज एट 1.3% ऑफ जीडीपी। राइट, चल आगे चलते हैं। विच कंट्री हैज लॉन्च्ड दी चांग्स E6 ल्यूनर प्रोब मिशन, ठीक है, दैट विल कनेक्ट द सैंपल फ्रॉम द फार साइड ऑफ मून, साउदर्न साइड से ही जो है। और नाम पढ़ते ही आई थिंक बहुत सारे लोग जो है वो गेस कर लिया होगा कि चाइना इज द वन जो ये करने जा रहा है, ठीक है। चाइना ने लॉन्च किया है एंड चाइना जो है वो चाहता है कि हम भी मून की साउदर्न साइड तक पहुंचे, ठीक है। ये लॉन्ग मार्क 5 Y8 कैरियर रॉकेट के थ्रू दिस इज बीइंग लॉन्च फ्रॉम वेनचैंग स्पेस लॉन्च साइट जो साउथ चाइना हेनन प्रोविंस में है, ठीक है। इसके साथ पाकिस्तान का एक मिनिएचर सैटेलाइट भी गया है, IQ कमर क्यूब सेट, ठीक है। एंड इट कंसिस्ट ऑफ जो गया है, इट कंसिस्ट ऑफ ऑर्बिट लैंडर असेंडर री एंट्री मॉड्यूल एंड इट विल एम द साउथ पोल, राइट। एंड इट ऑल्सो कंटेन फॉरेन इक्विपमेंट 10 किलो है, ठीक है, दैट इज ऑल्सो अकम्पनीड द मिशन। आगे चलते हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज दी डायरेक्टर ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, DPIIT के डायरेक्टर जो हैं वो कौन चुने गए हैं? देखो, प्रतिमा सिंह जी चुनी गई हैं डायरेक्टर के तौर पे DPIIT की, एंड शी हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर द अपॉइंटमेंट अंडर द सेंट्रल स्टाफिंग स्कीम। 5 साल के लिए शी हैज़ बीन अपॉइंटेड और जब तक फर्दर ऑर्डर्स नहीं आते तब तक। शी इज़ एन इंडियन रेवेन्यू ऑफिसर ऑफ 2009 बैच, राइट। आगे चलते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज दी डायरेक्टर जनरल ऑफ द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी, दैट इज NISA, ठीक है। NISE जो है वो 2013 में बेसिकली इट इज बीइंग फाउंड, या आप कह सकते हैं इट इज बीइंग स्टार्टेड इन 2013, एंड गुरुग्राम हरियाणा में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। तो अभी DG कौन अपॉइंट हुए हैं? अभी DG जो अपॉइंट हुए हैं वो है मोहम्मद रिहान। मोहम्मद रिहान जो है अभी DG अपॉइंट हुए हैं एंड ही विल सर्व एट NISE ऑन डेप्यूटेशन फॉर एन इनिशियल पीरियड ऑफ 3 ईयर्स विद पॉसिबिलिटी ऑफ एन एक्सटेंशन, जो 2 ईयर्स की एक्सटेंशन हो सकती है, ठीक है। आगे चलें। हु हैज़ वॉन 9th edition ऑफ ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर बुक कवर प्राइज़? नोवा एडिशन ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर बुक कवर प्राइज कहाँ किसने जीता? देखो, ये जो जीता है वो भवि मेहता ने जीता है, राइट। डिज़ाइनर हैं भवि मेहता, इन्होंने ये बुक स्टोर कवर प्राइज जीता है फॉर क्रिएटिंग बुक जैकेट ऑफ प्रदीप सेबास्टियंस द बुक ब्यूटिफुल। विनर हैज़ बीन फैसिलिटेटेड विद द ट्रॉफी सर्टिफिकेट एंड 1 लाख कैश प्राइज। जो बुक ब्यूटिफुल है, द बुक ब्यूटिफुल वॉज पब्लिश बाय अचित इंडिया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पे देखते हैं। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जरे मेहा मनेले हैज बिकम द न्यू न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? सोलोमोन आइसलैंड के न्यू PM के तौर पे जरे मेहा मनेले ने जो है अभी शपथ ली है, एंड ही हैज ऑल्सो सर्व एज द फाइनेंस मिनिस्टर एंड 31 वोट से सीक्रेट बैलेट में 49 टोटल सीट्स थी उसमें ही हैज़ वॉन। एंड अगर पूछें कि इनसे पहले कौन थे, मना सेहा सोगा वरे इनसे पहले थे, ठीक है। हो नी आरा जो है इसकी कैपिटल है, ठीक है। सोलोमन आइसलैंड की कैपिटल क्या है? होनियारा, ठीक। सोलोमन आइसलैंड डॉलर जो है वो इसकी करेंसी है, बस सोलोमन आइलैंड डॉलर लगा दो, डी लगा दो तो वो करेंसी हो जाएगी। PM देखिए थे। आगे चलते हैं। मई के महीने में ही इंडियन चेस प्लेयर वैशाली रमेश बाबू, ये बहन है, किसकी बहन है ये, किस फेमस चेस प्लेयर की बहन है, ये अब आप कमेंट करेंगे, ठीक है। आई एम थिंकिंग मैं रोज जो है ना वो कुछ ना कुछ ऐसे दूँ आपको इन बिटवीन द सेशन, ताकि एक तो मुझे भी लगे लाइक बच्चे असलियत में देख भी रहे हैं या नहीं, या बस ऊपर ऊपर से 2000 क्वेश्चन देखे हैं एंड दे थिंक कि हो गया आज का करंट अफेयर का लाइक चीज़ें, ठीक है। ऐसे नहीं करना है, पूरी वीडियो देखनी है, अच्छे से देखनी है सारी चीज़ें,
तभी समझ में आएगा, है ना। तो चलो फटाफट कमेंट करके बताओ कि वैशाली रमेश बाबू किसकी बहन है, किस फेमस चेस प्लेयर की बहन है। एंड शी हैज़ बीन टाइटल लाइक शी हैज़ बीन अवॉर्डेड विद द टाइटल ऑफ ग्रैंड मास्टर। ग्रैंड मास्टर का टाइटल मिला है उन्हें इंडियन इंटरनेशनल चेस फेडरेशन के द्वारा। तो ये कौन सी महिला हैं जिन्हें लाइक किस कौन सी नंबर की, तो ये तीसरे नंबर की महिला हैं जिन्हें ग्रैंड मास्टर का टाइटल जो मिला है। ये तीसरे नंबर की हैं, तो इनसे पहले दो कौन थी, कुनेरू हम्पी 2002 में, हरिका दोनावली 2011 में ग्रैंड मास्टर बन चुकी हैं। एंड 42nd वुमेन है ये, अगर हम सभी कंट्रीज की बात करें ग्रैंड मास्टर बनने वाली। शी हैज़ बिकम 84th ग्रैंड मास्टर एंड शी हैज़ कम्प्लीटेड द रिक्विजिट 2500 ELP पॉइंट्स एट द ओपन टूर्नामेंट लॉब्रेगेट टूर्नामेंट जो स्पेन में 2023 में हुआ। हाईएस्ट टाइटल होता है अगर ग्रैंड मास्टर की बात करें चेस के मामले में, चेस टूर्नामेंट में हाईएस्ट ग्रैंड मास्टर का टाइटल होता है। आगे चलते हैं, टैक्टिक AI एक AI असिस्टेंट है बेसिकली फुटबॉल के लिए, AI असिस्टेंट है फॉर फुटबॉल टैक्टिक्स। ये किसके द्वारा, किस एंटिटी के द्वारा डेवलप किया गया है, ये डीप माइंड गूगल डीप माइंड के द्वारा डेवलप किया गया है, ठीक है। गूगल डीप माइंड जो है वो अगर आप ऑपरेशंस बोलेंगे कब से स्टार्ट हुए या स्टार्ट हुआ 2010 से। फाउंडर और CEO की बात करेंगे तो डेमिस, ठीक है, डेमिस एंड एस आई है, ठीक है, डेमिस HASABIS, ठीक है, डेमिस ओ एक मिनट हाँ डेमिस हसाविस इज दी MD और यू कैन से फाउंडर एंड CEO ऑफ गूगल डीप माइंड। और गूगल डीप माइंड ने ही डेवलप किया है टैक्टिक AI जो प्रोवाइड करता है एक्सपर्ट सॉल्यूशन फॉर विद टैक्टिक इनसाइट इनटू द फुटबॉल। एंड दिस हैज़ बीन इन अ मल्टी ईयर रिसर्च कोलैबोरेशन विद द एक्सपर्ट फ्रॉम लिवरपूल फुटबॉल क्लब। ये AI सिस्टम प्रोवाइड करता है एक्सपर्ट्स को विद द टैक्टिक इनसाइट्स एंड पर्टिकुलरली कॉर्नर्स किक्स थ्रू द प्रिडिक्टिव एंड जनरेटिव AI। ये AI टूल कैन यूज हो सकता है फुटबॉल टीम मैनेजर्स में एज अ असिस्टेंट फॉर टैक्टिक्स। आगे चलते हैं, टाटा मोटर्स ने पार्टनर किया है किस बैंक के साथ टू ऑफर फाइनेंसिंग सॉल्यूशन टू इट्स कमर्शियल व्हीकल कस्टमर एंड डीलरशिप। तो ये जो MOU साइन हुआ है वो साउथ इंडियन बैंक के साथ हुआ है। साउथ इंडियन बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो त्रिशूर केरला में है, ठीक है, त्रिशूर केरला में है। PR शशिधरी जो है इसके MD and CEO है, PRS लिख रही हूँ मैं, PR शशिधरी जो है MD and CEO है, त्रिशूर केरला में जो है हेडक्वार्टर है। एंड टाटा मोटर्स जो है उसने पार्टनर किया है साउथ इंडियन बैंक के साथ ताकि ये लोग ऑफर कर सके फाइनेंसिंग सॉल्यूशन कमर्शियल व्हीकल कस्टमर्स को और डीलरशिप्स में। ये बेसिकली पार्टनरशिप एम करती है टू एम्पावर फ्लीट ओनर्स एंड डीलरशिप टू अचीव देयर बिजनेस गोल अंडर दिस पार्टनरशिप। जो बैंक है वो फाइनेंशियल सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा अक्रॉस द ऑटो मेजर्स एंटायर कमर्शियल व्हीकल पोर्टफोलियोज, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, उस फॉर्मर आर बी आई गवर्नर को आइडेंटिफाई करना है इनमें से जिसने ऑथर की है, जिसने लिखी है ये बुक जस्ट अ मसनरी नोट्स फ्रॉम माय लाइफ एंड करियर। ये है दुवरी सुबा राव जी, ठीक है, दुवरी सुबा राव जी ने मसनरी जस्ट अ मसनरी नोट्स फ्रॉम माय लाइफ एंड करियर बुक जो है बेसिकली दिस हैज बीन ऑथर्ड बाय लाइक हिम। एंड पेंगुइन रैंडम हाउस ने इंडिया लाइक पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया ने इसको पब्लिश की है। ये बुक उनके जो उनका करियर है, ठीक है, उसके बारे में है कि एज अ यंग प्रोफेशनल हाउ डिड ही नेविगेट इन करियर, हाउ डिड ही गो बियॉन्ड, हाउ डिड ही अचीव थिंग्स। अगर बींग अ गवर्नर की बात करें तो 5 साल जो टेन्योर होता है 2008 से 2013 के बीच में ही वो थे गवर्नर। फाइनेंस सेक्रेटरी भी रहे हैं 2007 से 2008 एंड सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल भी रहे हैं 2005 से 2007 तक, ठीक है। सो दिस वॉज इट फ्रॉम टूडेज सेशन, आई होप यू गाइज वुड हैव लाइक द सेशन। अगर पसंद आया तो लाइक कर देना
एंड कमेंट भी कर देना, एंड कुछ कमेंट करो ना करो बट मुझे आंसर कमेंट में चाहिए जो मैंने पूछा था, ठीक है। द सिस्टर वाला कि वो किन की सिस्टर है, वैशाली रमेश बाबू इनके सिस्टर है, वो आंसर मुझे चाहिए, है ना। चल मिलते हैं फिर।